आज हम बनाएंगे झटपट बनने वाले ये नान बिना बेकिंग पाउडर और बिना सोडा के और बिना दही के। एकदम सॉफ्ट बनेंगे, मुलायम रहेंगे, अच्छे से सिके हुए रहेंगे और आप इसे किसी भी सब्जी के साथ इसका आनंद ले सकते हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा ये अंदर से जालीदार और सॉफ्ट से बनके तैयार हुए हैं। तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं, क्योंकि आज हम दो तरीके से आपको नान बनाना बताएंगे, एक तो तवा पर और दूसरा कढ़ाई पर। तो दोनों ही नान बहुत ही परफेक्ट और बढ़िया बनते हैं अच्छे से सिके हुए। तो शुरू करते हैं इसे बनाना। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए 2 चम्मच घी। घी या तेल आप कुछ भी ले सकते हैं, जो भी आप डालना चाहें। और थोड़ी सी हम इसमें डालेंगे कुटी हुई काली मिर्च और आधी छोटी चम्मच हम इसमें डालेंगे कसूरी मेथी। थोड़ा सा हाथों से मल के डालेंगे। ये दोनों चीज़ें ऑप्शनल हैं, आप चाहें तो इन्हें स्किप भी कर सकते हैं, पर नान में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। साथ में नमक डालेंगे टेस्ट के हिसाब से और आधे कप दूध डालेंगे। दूध को हमें देखें गरम डालना है। जैसे ही हमने गरम दूध डाला है तो जो घी था वो पिघल गया है। साथ में मैंने आधे कप पानी लिया है। तो यहाँ पे मैंने दोनों चीज़ें डालने के बाद इसमें 1 कप मैदा डाल दी है और यहाँ पे कुल मिला के मैं 2 कप मैदे से ही नान बनाने वाली हूँ। आप चाहें तो गेहूं के आटे से भी नान को बना सकते हैं, पर जो रेस्टोरेंट में नान मिलते हैं वो एकदम मैदा के होते हैं और बिल्कुल इसी अंदाज में होते हैं। तो यहाँ पे अब मैंने 2 चम्मच ये मिल्क पाउडर लिया है। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, पर जो नान में मिठास आती है वो इसी के कारण आती है। और 1 चम्मच मैंने यहाँ पे चीनी डाली है। मिल्क पाउडर नहीं डालना चाहते हैं तो आप यहाँ पे मलाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, घर की ताज़ी मलाई डाल सकते हैं। और इससे क्या होगा कि जो नान बनेंगे बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम बनेंगे। अब हमें इसका एक डो लगाना है और देखें इतना ज़्यादा ये सॉफ्ट डो लगाना है। आप देख रहे होंगे वीडियो में कितना ज़्यादा ये सॉफ्ट है। हाथों पर मैदा लगाकर आप हाथों को छुटा सकते हैं या फिर तेल लगाकर भी इसे चिकना कर सकते हैं, या फिर सूखा मैदा थोड़ा सा डालकर भी चिकना किया जा सकता है। तो जो तरीका आपको अच्छा लगे, तो बस हाथों पर चाहे मैदा लगा लीजिए चाहे तेल और इसे अच्छे से मसल मसल के चिकना कर लीजिए, लेकिन इतना ही सॉफ्ट आटा हमें लगाना है। अब हमने आटा तो लगा दिया है, एकदम सॉफ्ट है, और इसके ऊपर मैंने हल्का सा तेल लगा दिया है और 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप ज़्यादा टाइम के लिए भी छोड़ सकते हैं। और 10 से 15 मिनट बाद हम इसे दोबारा से इस तरह से कंबाइंड करेंगे और क्या करेंगे, इसको अच्छे से फिर से गूंथने के बाद चिकना कर लेंगे और इसकी लोइयां बना लेंगे। आप देखें कितना ज़्यादा ये सॉफ्ट आटा है और इतना ही सॉफ्ट आटा आपको लगाना है। अब लोइयां तोड़ने के लिए देखें हाथों पे चिपक रहा था तो मैंने सूखा मैदा का इस्तेमाल किया है। अब इसकी हम लोइयां बना लेंगे। तो यहाँ पे मैं छोटे नान बनाने वाली हूँ तो छोटी छोटी मैं लोइयां कर रही हूँ। आप चाहें तो थोड़े बड़े साइज के नान भी बना सकते हैं, बड़ी साइज की लोई भी तोड़ सकते हैं, या फिर आप चाकू की सहायता से भी लोइयों को इस तरह से काट सकते हैं। अब लोइयां हमारी बन गई हैं तो दूसरी चीज़ ये है कि देखें इस तरह से हमें इस लोई को फोल्ड करना है जैसे मैं कर रही हूँ और बस इसे चिकना कर लेना है। अब हम इन्हें बेलेंगे हल्का सा, आप चाहें तो हाथों से भी दबा के इन्हें बना सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट मुलायम आटा लग के तैयार हुआ है। अब मैं इसे हल्का सा बेल देती हूँ इस तरीके से, क्योंकि मैं पतले नान नहीं बनाना है और मोटे ही नान बनाना है। तो इस छोटे छोटे हम इस तरह से मोटे मोटे बेल के तैयार करेंगे। तो अब हमने ये नान तो बेल लिए हैं, लेकिन इसके ऊपर से आप तिल लगा सकते हैं, हरा धनिया लगा सकते हैं, जो भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। यहाँ पे मैंने तिल लगा लिया है, आप कलौंजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हरा धनिया हल्का सा लगा दिया है ऊपर से और हाथों से दबा दिया है ताकि ये चीज़ें निकले नहीं। और इसी तरह से अब हम बाकी के नान भी बना लेते हैं।
तो बस इसे बेलते जाएंगे या फिर इस तरह से हाथों से फैलाकर भी बना सकते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हमने यहाँ पे आटा लगा के तैयार किया है। तो इस तरह से बस नान को तैयार कर लेंगे, झटपट से बन जाएंगे और एक साथ इन्हें आप ढेर सारा सेक सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे देखें तवा लिया है बड़े साइज का और इसमें मैंने पानी लगा दिया है। अब एक एक करके जितने नान तवे पे आएंगे हम तवे पे सेक लेंगे और इसके बाद मैं आपको कढ़ाई में भी सेकने का तरीका बताऊंगी कि कैसे हम नए तरीके से कढ़ाई में सेकेंगे। तो देखें नीचे से जब नान हल्के से सिक जाएंगे तब हम इन्हें पलटेंगे और किसी कपड़े की सहायता से हल्का हल्का दबा देंगे और थोड़ी देर बाद देखेंगे ये अच्छे से फूल के सिक्के तैयार हो जाएंगे। तो बस हमें इसी तरह से इसे हल्का हल्का सा दबा देना है और जैसे जैसे मैं दबा रही हूँ वैसे वैसे आप देखिए किनारों पर नान बढ़िया से फूल रहे हैं और अच्छे से देखें ये सिके हुए हैं, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से सिक्के तैयार हुए हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि ये नान को देखें पलट देंगे, दोनों तरफ से अच्छे से सिक चुके हैं। क्योंकि अब आप गर्मा गर्म नान में तेल या घी लगा दीजिए। तो यहाँ पे अब मैंने इस गरम गरम नान में देखें घी लगा दिया है, घी से इनका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा खाने में। तो नान हमारे तवा वाले बनके तैयार हो गए हैं। तो चलिए अब हम कढ़ाई में भी नान को बना लेते हैं और एक साथ देखें आपने ढेर सारे नान बना लिए हैं। इसी तरीके से लोग पीछे तरफ की कढ़ाई से भी बनाते हैं पर मैं आज सीधे तरफ से बना रही हूँ। कढ़ाई में मैंने पहले से हल्का सा पानी लगा लिया था और देखें कढ़ाई में मैंने अब धीमी आंच में इन्हें रख दिया है ताकि ये अच्छे से सिक जाएं। उल्टी कढ़ाई में थोड़ा टाइम लगता है लेकिन जब आप सीधी कढ़ाई में नान बनाएंगे एकदम झटपट से बन के तैयार होंगे और जल्दी से ये सिक जाएंगे। जैसे ही ये हल्के से सिकेंगे तो कढ़ाई को अपने आप ही छोड़ देंगे, ये देखिए। और जब तक ये सीखेंगे नहीं तो मतलब कढ़ाई को नहीं छोड़ेंगे, तो इस तरह से चेक कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे कि गैस के ऊपर आंच को धीमा करेंगे और पलट पलट के जैसे रोटी सेकते हैं ठीक उसी तरह से ये नए अंदाज में नान सेक के तैयार कर लेंगे। आप देखेंगे इनका कलर भी बहुत प्यारा आएगा और बहुत ही अच्छे बन के तैयार होंगे। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आप सबको पसंद आई होगी। पसंद आ जाए तो रेसिपी को लाइक ज़रूर करते जाइएगा। और देखें सारे नान अब हमारे बनके तैयार हो गए हैं, अच्छे से सिके हैं, एकदम सॉफ्ट और मुलायम है और इन्हें खाने के बाद आप बता नहीं पाएंगे कि बिना बेकिंग पाउडर बिना सोडा के झटपट से ये जालीदार नान बनके तैयार हो गए हैं। तो मिलते हैं अगली रेसिपी में हम।